हमने क्विज गेम खेली थी आपके साथ कि हम गराज सेल से हैविश और माइन के जो हेडफोन्स हैं वो कितने के लाए हैं। तो हैविश के फिलिप्स के हेडफोन स्टूडियो हेडफोन है और माइन के सोनी के हेडफोन है, तो वो कई लोगों ने हमें जवाब दिया। तो कुछ लोग बहुत करीब थे, कुछ बहुत ही दूर थे। तो उसका आंसर है कि जो स्टूडियो फिलिप्स वाले जो स्टूडियो वाले हैं और फिलिप्स के जो स्टूडियो हेडफोन है वो है $1 और जो सोनी के हेडफोन्स है वो है फ्री फ्री फ्री, फ्री। हुआ क्या था कि जब हम लेने गए तो हैविश ने अपने स्टूडियो वाले ले लिए, उस वहाँ पे सोनी के भी थे, तो मैंने कहा माइम से पूछ लियो, पता नहीं इसको चाहिए कि नहीं, वो भी उतने के ही दे रहे थे। वो अगले दिन मैंने कहा चल नेक्स्ट डे भी लगेगी, संडे को, सैटरडे भी, संडे भी लगती है तो संडे चल के देख लेंगे, अगर किसी ने नहीं लिए होंगे तो तुम ले लेना। कहते ठीक है। हम गए तो उन्होंने कहा कि हमने बोला कि हम ये लेने हैं, हम $1 देने लगे, तो उन्होंने कहा नहीं ये आज हमने सारा सामान फ्री लगाया हुआ है, तो आप आज ऐसे ही ले जाओ, आज सब कुछ एवरीथिंग इज़ ऑन फ्री, तो फ्री है फ्री ले जाओ। तो इसके जो ऐसे सोनी वाले जो है वो फ्री में है। और ना किसी ने एक ना कमेंट्स में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हाउ डू यू गेट टू नो अबाउट द गैराज सेल्स एंड स्टफ, तो उसका आंसर ये है कि एक तो समर्स के टाइम में ना आप जगह जगह देखोगे बोर्ड्स लगे होते हैं राइट, कि आप निकलोगे कहीं से तो आपको दिख जाएगा गैराज सेल एरो करता हुआ। और दूसरा होता है कि हमने ना अपनी कम्युनिटी का सबके एक ना फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप्स बने हुए हैं, लाइक एडमिंटन में हमने नोटिस किया है, तो यहाँ का भी कम्युनिटी ग्रुप बना हुआ है, तो उसके ऊपर इंटीमेशन आ जाती है। हाँ। हर साल एक दिन ऐसा होता है जब कम्युनिटी गैराज सेल लगती है। हाँ। यानी कि उस दिन उस वीकेंड पे सबके घरों में गैराज सेल लगेगी, मतलब जो जो लगाना चाहते हैं। और वैसे पूरा समर सबकी मर्जी है, अपने सैटरडे संडे होती ही होती है कहीं ना कहीं, तो आपको जो है इंटरसेक्शंस पे और जैसे आप कहीं पे किसी किसी कम्युनिटी में या किसी कहीं पे एंट्री कर रहे हो तो वो उनके गैराज सेल के बोर्ड लगे होते हैं, तो मैं दिखा दूंगी आपको कैसे लगे होते हैं। तो आज खाना खा के वॉक पे निकले, बहुत प्यारा मौसम है, बहुत प्यारा मौसम तो है ही है, और सोचा कि चलो निकलते हैं घूम के आते हैं। तो सर ने उसमें भी कुछ ना कुछ खाने का प्लान बना लिया, सर ने कहा कि मैं कॉफ़ी पीऊँगा, नहीं कश्मीरी चाय, रेमेडी कैफ़े की कश्मीरी चाय बहुत बहुत अच्छी लगती है हमें। सोने सोने प्यारे प्यारे से घर हैं, सबने फूल लगा रखे हैं, अरे प्यारे खूबसूरत माहौल है। ये पहुंच गए हम चलते चलते स्प्रे पार्क, हमारा टू व्हीलर का बहुत सही, खूब इंजॉय करते हैं यहाँ पे सब। तूने एक चीज नोटिस किया कि धूप है लेकिन हवा चल रही है और हवा ठंडी है, जैसे ही धूप खत्म होगी ना ये हवा चिल्ड हो जाएगी, ये तो है क्योंकि ये हवा ठंडी है। हाँ। आप धूप में खड़े हो तो आपको ठीक लग रही है और ये समर्स है। पार्क में ये होर्डिंग बोर्ड यहाँ पे जैसे ये लगा हुआ है, तो इस पे इंफॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है कि कैनेडा डे इवेंट है July 1, 12-4 टॉमलिंसन पार्क, आउटडोर मूवी July 13 को आउटडोर मूवी है। तो इसी तरह से गैराज सेल के लिए भी ये यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, या कुछ भी इवेंट होना वाला होता है कम्युनिटी में तो कर देते हैं वो इन्फॉर्म, जैसे आप पूछ रहे थे कि कैसे पता चलता है, तो हम ग्रुप पे भी हैं और हम ऐसे भी पता चल जाता है, तो बड़ी छोटी सी कम्युनिटी होती है तो सबको सब कुछ पता रहता है एक दूसरे का। तो बढ़िया है ये माहौल। लो जी कश्मीरी चाय ते कैपेचिनो आ गई है। खुश है बहुत ही ना, जैसे कहते हैं ना प्यारा मौसम, इनके पैटियो में बैठे हुए इतना मज़ा आ रहा है ना। इनकी कश्मीरी चाय ना बड़ी स्पेशल है, और कहीं लोग कोई भी बनाते हैं ना हमें पसंद नहीं आती, इनकी बहुत सही अच्छी में स्पेशल है, बहुत अच्छी है कश्मीरी चाय। मस्त अपना पैटियो में बैठ गए, वहाँ के रेमेडी कहते हैं अंदर नहीं बैठने का मन कर रहा आज, शैली जी लिविंग द ड्रीम। इतनी सुंदर वाइट फेंस लगी हुई है, एकदम ऐसा लगता है मूवी चल रही है कोई, यार ऐसा लगता है फेरी लैंड में ही है हम, है ना।
पीछे कितनी सुंदर लगती है ना, वाइट फैंस। सपना सा ही लगता है, सपना सा। इट्स लाइक ब्यूटीफुल ड्रीम। ओके, सपने देखो। क्या क्या मजेदार वीकेंड निकल रहा है भाई साहब। सैटरडे शाम को 9:15 बजे मजेदार, और कल भी मजे लिए, खाया बढ़िया। फ्राइडे भी बहुत प्रोडक्टिव गया हमारा। और भटूरे, छोले और ढोकला। ढोकला मुझे इतना अच्छा नहीं लगा ऑनेस्टली, और पर भटूरे छोले वाज ऑसम। रात को मस्त दाल बना दी थी दोस्तों। छोले भटूरे ठूसने के बाद भी इन्होंने मुझे बख्शा नहीं, दाल बनाई मैंने घर जाके। दाल खाई, रोटी, दाल रोटी, हरी मिर्च, हरी पापड़, मिर्च पापड़ जो कि इंडियन स्टोर से खरीदा था हमने, और जबरदस्त अच्छा था। पर गर्मी में ना यही प्रॉब्लम है, मुझे तो एक भी मच्छर महसूस नहीं होता। मच्छर खाते, मेरे को तो बहुत बचपन से बहुत मच्छर खाते, और ये मच्छर वहाँ बैठे कॉफी पीने के लिए बाहर बैठे हम, इतने मच्छर खाका के मेरे पैरों में बुरा हाल। चक्कर ये है ना, तेरा खून मीठा है, मैंने जिंदगी में दारू इतनी पी है कि मेरा खून कड़वा है अभी तक। तो जो मच्छर काटता भी होगा अभी तक बेहोश हो जाता होगा। नशे में हो जाता है इनका, नशे वाला खून। ये सही बात है, ये हो सकता है। पर मेरा बचपन से ये प्रॉब्लम है, मेरे को बहुत खाते मच्छर बहुत गंदी तरह। घर पहुंच रहे, बस आपसे इनको ये ट्रेल दिखा, कितनी ब्यूटीफुल है, देख बहुत प्यारी है। देखो कितनी सुंदर ट्रेल है, मतलब वॉक करने के लिए ना आराम से अपना वॉक करो। ये स्ट्रीट है सामने, ये सॉरी ये रोड है, मेन रोड बीच में डिवाइडर, हाँ, फिर ये घर है इधर, और ये ट्रेल बनी हुई है वॉक करने के लिए। मस्त लोग वॉक कर रहे हैं, देखो बढ़िया।